दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया बताने वाला हूं जिसको शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़े से अमाउंट के साथ भी इस स्टार्टअप को शुरू कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया के अंदर अभी हाल फिलहाल में एक या दो ही कंपनी है जो इस पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर काम कर रही है। तो अगर आप भी काम शुरू करेंगे तो आप अच्छे खासे पैसे कमा पाएंगे और साथ ही साथ में हमारे आसपास में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी पैसे कमाने का मौका दे पाएंगे। तो दोस्तों क्या है वो स्टार्टअप आइडिया, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों मैं आपको स्टार्टअप आइडिया बताऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। देखिए आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आपको चार स्टार्टअप आइडियाज बताए थे और मैंने आपको यह भी कहा था कि उन चारों में से अगर आपको कोई भी स्टार्टअप आइडिया पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तो मैक्सिमम लोगों ने इसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के ऊपर कमेंट किया था, इसीलिए आज मैं डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं तो आप ये वीडियो देख पाएंगे। देखिए दोस्तों आज के टाइम में हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग चीजों का पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं, बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, रेंट ट्रांसफर कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है जो इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से खरीदी जा सकती है। देखिए दोस्तों जब ये प्लेटफॉर्म्स नए नए आए थे तो उस टाइम पे कैशबैक दिया करते थे, 2 रुपए का 4 रुपए का 5 रुपए का, लेकिन अब ये बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, अब ये आपको वाउचर प्रोवाइड करते हैं। और देखिए जिनको भी वाउचर मिलते हैं मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि वो वाउचर उनके कुछ काम का होता नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया और वहां पे मुझे एक वाउचर मिलता है जिसके अंदर ये होता है कि अगर मैं प्यूमा से कुछ भी सामान खरीदूंगा तो मुझे स्ट्रेट अवे 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब दोस्तों मुझे प्यूमा से कुछ भी परचेस करना नहीं है, ना आज करना, ना कल करना, ना आने वाले एक महीने में कोई प्लानिंग है। अब देखिए ये जो वाउचर होगा इसकी भी एक एक्सपायरी डेट होगी, अगर मैं उस डेट से पहले पहले इसको यूज करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा, अगर उसके बाद करूंगा तो जो वाउचर है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्यूमा का वाउचर मुझे मिला है ये मेरे कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाउचर खराब है, मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज के दिन प्यूमा का कुछ ना कुछ सामान खरीदेंगे, आज नहीं खरीदेंगे तो कल खरीदेंगे, कल नहीं होगा तो परसों खरीदेंगे, तो अगर उनको ये वाउचर मिल जाए तो उनको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल सकता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने प्यूमा से 10,000 रुपए का सामान खरीदा और वो 25% का डिस्काउंट करवाता है तो उसको स्ट्रेट अवे 2,500 रुपए का फायदा हो जाएगा, मतलब उसको सिर्फ 7,500 रुपए ही पे करना पड़ेगा। तो सिचुएशन यहां पे ऐसी है कि मेरे पास वाउचर पड़ा हुआ है जो मेरे काम का नहीं है और जिस आदमी को वाउचर की जरूरत है उसके पास वाउचर अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों इन दोनों को मिलाया जा सकता है और साथ ही साथ में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। अब कैसे कमाया जा सकता है, कैसे मिलाया जा सकता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसके लिए हमको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद में जिसके पास भी वाउचर्स अवेलेबल है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आके अपने वाउचर्स को सेल कर सकता है और साथ ही साथ में जिसको कोई शॉपिंग करनी है और वाउचर की जरूरत है वो सिंपली हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ सकता है, देख सकता है कि उसके काम का कोई वाउचर अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो वहां से परचेस करके शॉपिंग में यूज कर सकता है और अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आप में से कोई भी ये स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो वो दो तरीके से शुरू कर सकता है। सबसे पहला तरीका क्या होगा, वो एक सिंपल सा प्लेटफॉर्म बनाएगा वर्डप्रेस की मदद से और उसके बाद में यूजर्स को ये ऑप्शन देगा कि अगर उसके पास कोई भी वाउचर अवेलेबल है वो सिंपली प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा और वहां पर अपने वाउचर्स को लिस्ट कर देगा। उसके बाद में जो दूसरे बायर्स होंगे वो सिंपली प्लेटफॉर्म पे आएंगे, सर्च करेंगे, अगर उनको कोई भी वाउचर पसंद आता है वो सिंपली उसको बाय कर सकते हैं। तो इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सकता है और ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों अगर आप वर्डप्रेस की मदद से डेवलप करेंगे तो मैक्सिमम आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 10,000 से 12,000 रुपए का। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं मैं एक अलग से डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कैसे वर्डप्रेस की मदद से इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सकता है, कौन से प्लगइन यूज करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें बाय करनी पड़ेगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ही जल्दी मैं वीडियो बनाकर चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे तरीके के बारे में। दोस्तों इसमें भी आपको प्लेटफॉर्म बिल्ड करना होगा लेकिन यहां पर यूजर्स को अपने वाउचर्स की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जब भी आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके अलग अलग पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी वाउचर्स होंगे वो सारे के सारे यहां पे फेच हो जाएंगे और उसके बाद में अगर वो चाहे तो यहां से सेल कर सकता है या फिर आपका प्लेटफॉर्म भी उसको रिकमेंडेशन दे सकता है कि ये वाउचर को अगर आप सेल करेंगे तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं क्योंकि अभी मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। सो दोस्तों इस तरीके का प्लेटफॉर्म भी बिल्ड किया जा सकता है। अगर आप इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मार्केट के अंदर जितने भी पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ आपको टाइप करना होगा और उनको कहना होगा कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी वाउचर्स अवेलेबल है तो जिस यूजर्स के होंगे अगर वो यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करता है तो वो वाउचर ऑटोमेटिकली यहां से फैच हो जाएंगे और वहां पर डिस्प्ले होने लग जाएंगे। तो इस तरीके का टैग आप बिल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों आप खुद समझ गए होंगे अगर आप
आप पहले तरीके के हिसाब से जाना चाहते हैं तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं जाने वाला। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे तो किस तरीके से वैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया जा सकता है, मैं भी आपको बता दूंगा। और सेकंड तरीके के साथ आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन सेकंड तरीका ज्यादा इंटरेस्टिंग है, यूजर्स को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वहां पे उनका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन पहले तरीके में यूजर को सारा काम खुद करना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में हम OLX में या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे कोई चीज बेचना चाहते हैं तो हमको सिंपली क्या करना पड़ता है, वहां पे लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। उसी प्रकार अगर आप पहले तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करते हैं तो यहां पे यूजर्स को क्या करना पड़ेगा, लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी कि मेरे पास इतने वाउचर्स अवेलेबल हैं, मैं इनको सेल करना चाहता हूं, और उसके बाद में जो बायर्स है वो वहां से आके परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग प्रकार के डाउट होंगे, तो उन डाउट्स में से जो कॉमन डाउट है उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि मान लीजिए हम सेकंड तरीका अपनाते हैं जिसके अंदर ऐसा टेक बिल्ड करते हैं जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के जो वाउचर्स हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएं, तो वो वाउचर्स आएंगे कैसे। देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब आप दूसरे पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ टाइप करेंगे तो उनको आपको बोलना होगा कि किसी भी पर्टिकुलर नंबर के साथ जो जो वाउचर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर एसोसिएटेड है, अगर वो नंबर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके रजिस्टर करता है तो वो वाउचर ऑटोमेटिकली यहां से फैच हो जाएंगे और वहां पर डिस्प्ले करने लग जाएंगे। तो आपको आंसर मिल गया होगा, नंबर के हिसाब से होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है क्रेडिट के ऊपर, वहां पे मुझे कुछ वाउचर्स मिले हुए, कुछ वाउचर्स मुझे पेटीएम पे मिले हुए, कुछ वाउचर्स मुझे फोन पे मिले हुए, और अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपने सेम नंबर से रजिस्टर करता हूं तो जितने भी वाउचर होंगे वो ऑटोमेटिकली वहां से फेच हो जाएंगे और आपके प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले होने लग जाएंगे। दूसरा डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि वाउचर का प्राइस कौन डिसाइड करेगा, जो प्लेटफॉर्म बना रहा है वो डिसाइड करेगा या फिर जो अपना वाउचर अपलोड कर रहा है वो डिसाइड करेगा। सो दोस्तों मैं यहां पे एक चीज क्लियर कर दूं, जो वाउचर को अपलोड करेगा वही प्राइस को डिसाइड करेगा, लेकिन आप उसको रिकमेंडेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वाउचर में मैक्सिमम 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है, तो उस केस में आपके प्लेटफॉर्म की तरफ से रिकमेंडेशन आएगा कि इस वाउचर को अगर वो आदमी 5,000 में बेचने की कोशिश करेगा तो उसका वाउचर नहीं बिकेगा, तो उसको 1,000 या 1,500 में बेचना होगा ताकि जल्दी से जल्दी वाउचर बिक जाए। तो इस प्रकार का रिकमेंडेशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा ऑप्शन भी रख सकते हैं कि जब भी कोई यूजर अपना वाउचर अपलोड करता है तो सबसे पहले वो वाउचर आपके बैकएंड टीम के पास जाएगा, वो उसके डिटेल्स चेक करेगी, अगर सब कुछ सही रहेगा तो ही वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव होगा, अदरवाइज जिसने भी वाउचर अपलोड किया होगा उसको रिकमेंडेशन जाएंगे कि इतना हैवी प्राइस में ये वाउचर नहीं बिकेगा, आपको प्राइस कम करना होगा। तो इस प्रकार आप काम कर सकते हैं। तीसरा डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है, मान लीजिए किसी ने ऐसा वाउचर अपलोड किया जो ऑलरेडी यूज हो चुका है और उस केस में किसी बायर ने वाउचर परचेस कर लिया तो पैसे तो चले जाएंगे, उस केस में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी कोई वाउचर परचेस करता है तो जब वो पेमेंट करेगा तो वो पैसा सबसे पहले आपको अपने पास रखना है, और उसके बाद में जो वाउचर सेल हुआ है एक बार वो यूज हो जाएगा और जो बायर है वो एक बार सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके बाद में आप पैसा सेलर को भेजेंगे, नहीं तो तब तक पैसा आपके पास ही होगा, और अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो आप पैसे वापस रिफंड कर देंगे। साथ ही साथ में दोस्तों आपको एक और ऑप्शन रखना होगा, जब भी कोई अपने वाउचर को लिस्ट करेगा तो उसको वहां पे प्रूफ भी शो करना होगा कि वो जो वाउचर है वो अभी तक यूज नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए किसी ने वाउचर परचेस किया, उसको यूज कर लिया और झूठ बोला कि मेरा वाउचर यूज हुआ ही नहीं, तो उस केस में आपको सेलर से कंफर्म करना होगा, उससे स्क्रीनशॉट लेना होगा और यह चेक करना होगा कि उसका वाउचर कब यूज हुआ और कितनी तारीख को यूज हुआ। तो दोस्तों आपको मिडल में अपने पास पैसे रखने हैं, जब दोनों का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा उसी के बाद में आप पैसे सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। चौथा डाउट आप लोगों के मन में यह आ सकता है कि आज के टाइम में ऑनलाइन में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट में वाउचर मिलता है, तो अगर हम ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे तो क्या ये प्लेटफॉर्म चलेगा, क्या हमको फायदा होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो भी फ्री प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे वाउचर्स बहुत ही जल्दी यूज हो जाते हैं, और आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा जब आपको वाउचर की जरूरत पड़ती है आप सर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है और वाउचर आपको ढंग से मिल भी नहीं पाता। लेकिन यहां पर जो भी वाउचर होंगे वो सारे के सारे वैलिड होंगे, अगर कोई भी परचेस करेगा तो डेफिनेटली उसको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी इंसान को 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है और उसी डिस्काउंट के लिए उसको सिर्फ 500 या 600 रुपए पे करना पड़े तो वो आसानी से बाय करना चाहेगा। तो अगर आप इस तरीके का प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आपको भी कस्टमर्स मिलेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर कोई भी इस प्रकार का स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ने वाली है प्लेटफॉर्म की। देखिए दोस्तों मैंने आपको दो तरीके बता दिए, अगर आप चाहें तो वर्डप्रेस की मदद से अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, और वो कैसे बिल्ड किया जा सकता है इसके ऊपर अगर आपको डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं वीडियो बनाकर इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, आप वैसा प्लेटफॉर्म बिल्ड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसा टेक बिल्ड करना चाहते हैं जिसकी मदद से ऑटोमेटिकली यूजर्स के जो भी वाउचर्स होंगे आपके प्लेटफॉर्म पे फैच हो जाएं, तो उसके लिए आपको किसी आईटी कंपनी को कॉन्टैक्ट करना होगा। और प्लेटफॉर्म से मेरा मतलब है आपको एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है ताकि यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पे आ सके, वो खुद अपने वाउचर्स को वहां पे लिस्ट कर सके, या फिर ऑटोमेटिकली उनके जितने भी वाउचर्स हैं वो आपके प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। दूसरी चीज जिसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है वो है एम्प्लॉयज।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार का जो बिजनेस है, अगर आप वर्डप्रेस की मदद से शुरू करने वाले हैं तो इसमें आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो एम्प्लॉयज के साथ भी आप काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें से एक आदमी ऐसा होगा जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करेगा, वो आपके प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि जितने ज्यादा लोग आपके प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे उतने ही ज्यादा पैसे कमा पाएंगे। अब पैसे कैसे कमा पाएंगे ये भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसके अलावा आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी आता हो और साथ ही साथ में वीडियो एडिटिंग का काम भी आता हो, क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अलग अलग प्रकार के फोटोग्राफ्स होंगे, क्रिएटिव्स होंगे, एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए आपको जो फोटोज और वीडियोस की जरूरत पड़ेगी उसके लिए आपको एक ऐसे इंसान की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद में दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्पेस की, तो इस प्रकार का जो बिजनेस है, अगर आप चाहें तो अपने घर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डेडिकेटेडली एक जगह चाहिए तो आप 100 से 150 स्क्वायर फुट की जगह ले सकते हैं, उसमें ऑफिस सेटअप कर सकते हैं, वहां पर 2 या 3 लोग बैठ के काम कर सकते हैं और इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। एक बार जब आपका बिजनेस बढ़ने लग जाए तो उसके बाद में और भी लोगों को हायर किया जा सकता है और स्पेस को भी बड़ा बनाया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, तो इस प्रकार का बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर करना होगा, उसके बाद में आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसे कहीं कहीं पे गुमास्ता भी कहते हैं और कहीं कहीं पे शॉपेक लाइसेंस भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आपका ये जो बिजनेस है ये ऑनलाइन बिजनेस है, तो आपको जीएसटी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करवा लेना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सब्सिडीज मिलती है, जो भी ग्रांट्स मिलते हैं, उनका फायदा आप उठा पाए। उसके बाद में दोस्तों, आपको जरूरत पड़ने वाली है इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, इसको आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आप वर्डप्रेस वाले मॉडल के साथ जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 से 15 हज़ार रुपए में आपका जो प्लेटफॉर्म है वो सेटअप हो जाएगा। अगर आप घर से ही कर रहे हैं तो आपको किसी को रेंट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप छोटी सी जगह ले रहे हैं तो मान लीजिए उसके लिए आपको रेंट पे करना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा, आपके साथ 2 लोग काम कर रहे हैं उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी देनी होगी, तो महीने का आपका जो मैक्सिमम खर्चा आएगा वो 40 से 50 हज़ार रुपए आने वाला है। तो उस केस में आप समझ के चलिए कि अगर आप छोटे से लेवल से वर्डप्रेस के साथ शुरू कर रहे हैं तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए तक का भी इन्वेस्टमेंट होगा आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं जिसके अंदर आप टेक बिल्ड करेंगे, तो उस केस में आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तब आप इस प्रकार का बिजनेस शुरू कर पाएंगे। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम इस प्रकार का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो हम कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने वाउचर सेल होंगे उनके ऊपर आप एक कमीशन चार्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर 1,000 रुपए का वाउचर सेल हुआ और आपने उसमें 10% से लेकर 20% का कमीशन रखा, तो आपको 100 से 200 रुपए की इनकम हो जाएगी। तो आप यूं समझ लीजिए, आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतने ही ज्यादा पैसे आप कमा पाएंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी के एडवर्टाइजमेंट भी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपने सेल्स बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के डिस्काउंट निकालती है, अलग अलग प्रकार के वाउचर्स बनाती है, तो उनको वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्ट कर पाएंगे। तो जिनको भी कुछ परचेस करना होगा सिंपली आपके प्लेटफॉर्म से आकर वो डिस्काउंट कोड को देख सकते हैं, उस वाउचर को ले सकते हैं और उसको अप्लाई करके अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मार्केट में और भी बहुत सारे एड नेटवर्क्स हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट दिखा के भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। एड नेटवर्क की मैं बात करूं तो गूगल का भी एक बहुत ही अच्छा एड नेटवर्क है। वेबसाइट पे आप एडसेंस की मदद से पैसे कमा पाएंगे और एप्लीकेशन पे एडमॉब की मदद से, और आजकल तो फेसबुक भी मोनेटाइज करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट दिखा के भी पैसे कमा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आप ये स्टार्टअप शुरू नहीं करना चाहते, कोई और करना चाहता है, तो उसको शुरू कर पाए और अच्छे खासे पैसे कमा पाए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।